सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस प्लान क्या होता है और कौन से इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो उसमें इंक्लूड करने चाहिए उनके बारे में भी बताऊंगा। देखें कॉन्सेप्ट से पहले छोटी सी डेफिनेशन उसको रीड कर लेते हैं। अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस आइडिया एंड हाउ इट विल बी कैरी आउट इंक्लूडिंग ऑल मेजर बिजनेस एक्टिविटीज। देखें बिजनेस प्लान जो होता है ना एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है जो आपका बिजनेस आइडिया जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। अच्छा बिजनेस प्लान जो है ना समटाइम आप जब इन्वेस्टर से जब आपके पास पैसे नहीं होते आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो किसी कंपनी के पास जाते हो तो तब वो आपको कहते हैं आपका बिजनेस प्लान किधर है तो तब आपको बिजनेस प्लान उनको दिखाना पड़ता है। ये रिटन फॉर्म में होता है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें आप क्या लिखते हैं कि आपने अपना बिजनेस आपका है क्या, आपने इसको कैसे कैरी आउट करना है, इसमें क्या यूनिकनेस है, इसमें क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ना एग्जैक्टिव समरी बनानी होती है, ठीक है, एक ओवरव्यू देना होता है छोटा सा अपने बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस है क्या, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपने बताना होता है कि प्रोडक्ट आपकी क्या प्रोडक्ट है, अगर सर्विसेज का बिजनेस है तो आपने थोड़ा सर्विसेज के बारे में बताना होता है। और उसके बाद आपने एक चीज़ बतानी होती है कंपेटिटिव एडवांटेज कि आप क्या जो मार्केट में पहले जो आपके कंपेटिटर वो कर रहे हैं वो जो नहीं कर रहे वो उसमें से क्या यूनिक है जो आपके पास है, आप क्या नई इनोवेशन लाए हो उसके बारे में आपने बताना होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आ जाती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि आप किस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेके मार्केट में एंटर करोगे कि आप दूसरे लोगों को जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट हैं जिनका मार्केट शेयर ऑलरेडी है मार्केट में उनसे कंपीट करके अपनी मार्केट में जगह बनाएं। और फोर्थ पे आ जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस कि आपने देखना है कि जो आपका बिजनेस प्लान है क्या वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, क्या वो रियलिस्टिक्स है, मतलब कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं या बस ख्याली पुलाव है कि आपने सोच लिया है ये काम हो भी सकता है कि नहीं। आपने इसके ऊपर एनालिसिस करना है, इंडस्ट्री में जाके थोड़ा विजिट करना है, उसके मुताबिक फिर उसमें लेना है कि भाई मैंने ये चीज़ देखी है मैंने ये चीज़ देखी है ये एग्जिस्ट करती है। और लास्ट पे आ जाता है मैनेजमेंट टीम, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं पर मैंने आपको मेजर चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो बिजनेस प्लान में होती हैं। आगे स्वॉट एनालिसिस आ जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होंगी, आपकी वीकनेस क्या होंगी, थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसके बाद आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी सक्सेस कैसी होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आप क्या है। उसके बाद ये जो सेगमेंट आ जाते हैं मार्केट सेगमेंट, आपने किस मार्केट में टारगेट करना है, आपका फाइनेंस का सिस्टम कैसा, आपने पैसे किधर से लेने हैं, उधार पे लेने हैं या आपने लोन पे लेने हैं, आपके पास खुद है खुद की इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर से लेना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके आपके पैसे आपका शेयर कैसा होगा मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपने पोजीशनिंग किस जगह पे करनी है, आपने सेल कैसे करनी है, अपनी प्राइसिंग क्या रखनी है आपने, ठीक है, आपने कौन सी मैनेजमेंट टीम के अंदर कौन से लोगों को हायर करना है, कौन से स्किल्ड पर्सन को करना है और किस एरिया को टारगेट करते हुए आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आपने अपना ब्रेक इवन से मुराद के नो प्रॉफिट नो लॉस, आपने सबसे पहले अपना ब्रेक इवन कैसे अचीव करना है, ये सारी चीज़ें, कैश फ्लो आपका कैसे होगा, इनफ्लो कैसे होगा, कितना पैसा जाएगा, कितना क्रेडिट हो, ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। पर पहले जो स्टार्ट में मैंने बताई ये तो मेजर एलिमेंट है, ये तो होते ही होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ही ये पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। तो ज़रूरी है अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं या आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पहले एक बिजनेस प्लान बनाएं और बिजनेस प्लान बनाने के बाद एक दफ़ा उसे अच्छी तरह से पढ़ें या किसी जो एक्सपर्ट बंदा है उसको दिखाएं कि भाई ये मेरा बिजनेस प्लान है क्या ये मार्केट में चल पाएगा कि नहीं, जिसके पास नॉलेज है उस खुद भी एनालिसिस करें, अगर तो आपको अच्छा लगता है फिर आप ये काम करें। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बिजनेस प्लान का, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।